खातेगांव में भारतीय किसान संघ कन्नौज द्वारा कन्नौज खातेगांव क्षेत्र में खेत सिंचाई समस्या को लेकर इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे किनारे पर कन्नौज में धरना आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन के तीसरे दिन विधायक आशीष शर्मा किसानों के बीच पहुंचे और जल्द निराकरण का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों ने विधायक से कहा कि जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने विधायक को मांग पत्र सौंपकर सिंचाई के लिए पानी मांगा। विधायक शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कन्नौज खातेगांव को मिलाकर करीब 70 गांव विधानसभा में गांव आते हैं। छिपानेर माइक्रो इरिगेशन का काम अंतिम चरण में है। कन्नौज तहसील के 21 गांव हाथीपलिया माइक्रो इरिगेशन परियोजना में जुड़वाए हैं। चंद्रकेश्वर बांध हमारे क्षेत्र की पुरानी सिंचाई परियोजना है, उसका एरिया भी बढ़ाया जाएगा। आने वाले समय में किसानों की जो महत्वपूर्ण मांग है, नर्मदा जी का तृतीय चरण हम इमली घाट से DPR बनवा रहे हैं, उसमें विलंब हो रहा है। जितने गांव छूटे हैं उन सबको शामिल करेंगे और क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य हासिल करेंगे। इस समस्या को मैंने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है। इसके साथ ही किसानों के आंदोलन पर विधायक ने कहा, आंदोलन करना आपका अधिकार है, अगले कुछ दिनों में किसानों की समस्या का हल निकल जाएगा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले हमारे किसान भाई अनिश्चितकालीन धरने के तहत यहाँ कन्नौज में बैठे हैं। इन लोगों की जो जायज़ मांग है कि हमारे खेतों तक भी सिंचाई के लिए सुविधा सरकार उपलब्ध कराए, बरसों पुरानी ये मांग है। स्वर्गीय दीदी सुषमा स्वराज जी के माध्यम से कन्नौज तहसील के लगभग 30 गांव तक शुक्ला ठीकरिया बांध के माध्यम से दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना का पानी पहुँच रहा है, जो कि रबी सीजन में और ग्रीष्मकालीन मूंग में भी इन लोगों को मिलता है, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बहुत बड़ी है। लेकिन इसके अलावा भी जो तहसील के गांव सिंचाई सुविधा से पूरी तरह वंचित हैं, उसमें खाते गांव और कन्नौज के मिला के लगभग 70 के आसपास गांव आते हैं। क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में छिपानेर माइक्रो इरीगेशन का काम अंतिम चरण में है, माननीय मुख्यमंत्री जी अतिशीघ्र उसका लोकार्पण करेंगे। हंडिया बैराज के टेंडर हो चुके हैं, अतिशीघ्र उसका काम भी प्रारंभ होगा और ये योजना भी 2024-25 तक किसान भाइयों को लाभान्वित करेगी। इसके अलावा शेष जो गांव बचते हैं उनके लिए हमने कन्नौज तहसील के लगभग 21 गांव हाटपिपलिया माइक्रो इरिगेशन परियोजना से जुड़वाए हैं। साथ ही साथ चंद्रकेश्वर बांध, जो कि हमारे यहाँ की कन्नौज और खातेगांव और बागली विधानसभा के मध्य की एक पुरानी सिंचाई परियोजना है, उसको भी अपग्रेड करने के लिए, उसका कैचमेंट एरिया बढ़ाने के लिए विभाग पैसा धनराशि स्वीकृत कर रहा है, जिससे उसकी जल ग्रहण क्षमता बढ़ेगी और कुछ गांवों को हम उसमें भी ऐड कर पाएंगे। कुछ छोटे बैराज डैम भी हम अपने विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कराए हैं। आने वाले समय में किसानों की ये जो महत्वपूर्ण मांग है कि हमें एक नई सिंचाई परियोजना मिले, इसलिए नर्मदा जी का तृतीय चरण हम लोग इमली घाट से उसकी DPR बनवा रहे हैं। उसमें अवश्य थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन उसमें विधानसभा के जितने गांव छूटे हैं उन सबको शामिल करके हम विधानसभा में 100% सिंचाई का लक्ष्य हासिल करेंगे। किसानों की इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी तक मैंने कल पहुंचा दिया है और मुझे विश्वास है कि जिस सरकार ने मध्य प्रदेश की जल ग्रहण सिंचाई क्षमता को 45 लाख हेक्टर से अधिक कर दिया है, वो इन किसानों को भी इस सिंचाई की सुविधा से वंचित नहीं रखेगी। खातेगांव तहसील से अनिल उपाध्याय की ये रिपोर्ट।